शाली महेश, हे भक्तों के भोले रसाल, चाहे कालों के भी महाकाल, कर्मेत्र त्रिशूल डमरू विशाल, ये मुंडमाल विकराल ब्याल, थम 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 कारत फड़ी फड़ेस, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। और रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, चौदस अंगारे गिरते हैं, विपदा के ये बादल क्यों फिरते हैं, इनको दे दो बाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, भेजो भैरव फड़ो भूतों को और रणचंडी शामर सबूतों को, भेजो खड़मक, भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोले कर दो शक्ति प्रदान, मैं स्वयं स्वरों में ओज भरूं, भर दूं बाणी में गान, फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। भोले कर दो शक्ति प्रदान, नव विधान इस भूतल पर मैं फरसे और रच दू एक बार, और क्रांति मचा दू वंथा पर, हो हर हर पम पम का महोच्चार। भोले तुम केवल साथ रहो, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा, उस भगवान कहने वाले को
इस भू पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभु के जो की कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। शांतिमयी वातावरण में सो रहा विश्व और विश्व का वैभवशाली सम्राट महान ये मनमोहक मनहर मालाओं से मणिमंडित शिवाकांत की बाकी झांकी का दिग्दर्शन कर रहा था। निद्रा हो गई। कृष्ण ने निद्रा देवी की गोष्ठ से बिलकर आज अर्धरात्रि में क्यों कुछ सोचने के लिए व्यस्त कर दिया। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है मृत्युंजय, इस लंका का वो रसस्थ रंग मुझे नित्य प्रत की भात लुभावना क्यों नहीं दिखाई देता, इसका क्या कारण है भोलेनाथ कि ये आज हमारे और भाव हृदय के अब सचमुच कोई खींच रहा है और लंका की वो मनहर ये हर दिवे रक्त से सीत रहा है। ये कौन रक्त से सीत रहा है, ये कौन रक्त से सीत रहा है। प्रियंकर वो शंकर की माया है महा ये भयंकर वो क्यों दिखलाती और रुद्र रूप पे ये रुद्र वो रुद्र और देखो ये देखो वो प्रतिमा क्यों दिखलाती। उच्चाटन छा करके कोई उच्चाटन छा ये करके कोई और करता इस मानस के वो शथलदार अब सारंग धड़ सारंग पर कोई शो में कहता बार बार शो में कहता बार बार शो में कहता बार बार आज हमारा दरबार समाज से क्यों हीन हो गया और कैसे अब कैसे ये मलंका वो छाई है और लंका ये लंका वो पीहा फरियाद चल रंग दिखाई है। भगवान भूतराज के हब की कैसी लीला है, दशानन के रसे मेच वरुण एवं समस्त दिक्पाल जिसका नाम सुनकर थर थर कांपते हो, पुरुष विश्व विजयी दशानन और रावण के हृदय में भय का संचार करता। कौन छोड़ शब्दों से ये कौन छोड़ शब्दों से मेरे पौरुष को ललकारता हुआ और रणभेरी की गर्जना में युद्ध स्थल के लिए आमंत्रित कर रहा है। जबकि मैंने तो इस वसुंधरा के और वक्ष स्थल को अपने पैरों तले आराम कर लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। फिर यह किसकी बत्ती रणभेरी, यह किसकी बत्ती रणभेरी, ना समझ पा रही ये मती वो मेरी मैंने छीता ये मैंने वो छीता ये जग महाकाल घर वक्त बनी मेरी चेरी ये किसकी बत्ती रणभेरी, ये किसकी बत्ती रणभेरी, ये किसकी बत्ती रणभेरी। अरे क्या वो पैरी ने ललकारा है या फिर लंकेश हिमालय पर चढ़कर अब खलघोर प्रलय की घड़ी घटाए वो तांडव। अरे नृत्य करो सुशंकर और खोलो नृत्य तीसरा शंभ। ये देश और धर्म पर संकट छाया और उपल पड़ा है ये रुधिर वो फेंका ये गीत प्लय का किसे गाया, ये गीत प्लय का किसे गाया।
ये खेत लेकर किसने गाया, ये कौन सावधान कर रहा है? हेलो हेलो, सुन रहे हैं रावण जी की बहुत ही सुंदर मंचन। रावण जी की कर्कश भूमिका में ओम प्रकाश जी त्रिवेदी हम आप सभी के सम्मुख हैं। बहुत ही सुंदर वीर रस में प्रवेश किया है, आप सभी ने प्रभावित हुए हैं। जय श्री सोहन सरकार रामलीला नाट्य कला मंच के मंडलाधीश ज्ञान प्रकाश जी मिश्रा ज्ञानु भैया, आपके द्वारा 50 प्रेम प्रसून रावण जी के लिए प्रदान हुए हैं। साथ ही दुर्गेश जी त्रिपाठी, आपके द्वारा भी 50 कुश मुद्राएं प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन बोल रहा है? ये किसके द्वारा सावधान किया जा रहा है? इधर से या फिर उधर से? और अगर ऐसा नहीं, रावण ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारी भ्रांति है। अगर हमारा भ्रम है, हमारी भ्रांति है, तो फिर कौन कह रहा, ये कौन कह रहा, ये यंत्र आप संभालो, आप फेंचा चलाए आप बचाने को, और एक बार फिर ढोलंगपति और चलो ये धारा पेट काले को। ये कौन पीरनर बनका, ये कौन पीरनर बनका मुझे रण में बुलाता है? वो चढ़ा काट के ऊपर अपने के खींच जाता है, ये मचलती है आप बुझाएंगे, ये धनुष आप कमे उठाने को, वो अति भीषण हुंकार है किसकी, ये जग में क्रांति बजाने को, ये कौन हिमालय की छाती पर अरे हाहाकार मचाता? तू बैठा कैलाश, शंभ क्यों मंद मंद मुस्काता, शंभ क्यों मंद मंद मुस्काता, शंभ क्यों मंद मंद मुस्काता? भगवान भूतराज, आज मैं अपने हृदय को शांत क्यों नहीं पहुंचा पा रहा? मेरे मन में अशांत क्यों व्याप्त होती है? इसका क्या कारण है? शिवा कान अज्ञात कारण शीघ्र ज्ञात करा दो, शीघ्र ज्ञात करा दो, शीघ्र ज्ञात करा दो। ओह बच विदित हो गया। और अच्छा, वो शंबर शीरध्वज ने आधार लक्षण को सीता, जो तोड़ेगा भगवान शंकर का धनुष उसको दी जाएगी वो देवी सीता। जानता हूं उस प्यारे दिव्यास्त्र को धूल धूषित करवाने वाले मूल दुरात्मा राजा छनक, तूने सोचा होगा और रावण तेरे उसके कर्तव्य अभिज्ञ ही डालेगा। तो याद रख राजा झनक, अगर वो टूटा या मिला को, तो तेरी और जम्मे थला को बारातूंगा, उस शंबर की खुशी को युद्ध स्थल में बदल दूंगा। आज को तुम्हें जो तोड़ेगा उससे मैं जन्म भय का बैर लूंगा। अरे शूद्रोही, या तेरा प्राण ले लूंगा या फिर मैं अपने प्राण दे दूंगा, खींच लाऊंगा तुझे उस आकाश और पाताल से, देखूंगा बच के जाता कहां, और रावण के जाल से, और रावण के जाल से, रावण के जाल से। और हाँ, बहुत ही सुंदर मंचन चल रहा है रावण जी का, प्रभावित हुए हैं समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप जी द्विवेदी, आपके द्वारा 50 प्रेम प्रसून रावण जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजमंत्री, मैं निश्चित काल के लिए मैं चला जा रहा हूं, लंका की समस्त व्यवस्था व्यवस्थित रहनी चाहिए। एक बार बोलिए, जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो।
अभी हमें आप सभी ने देखा रावण जी का यह दरबार, आप देखेंगे श्रोणी पुराधीश मृदंगाचार्य बलसुत बाणासुर जी का दरबार। आज बाणासुर जी की भूमिका में बाणासुर की सीट के प्रकांड विद्वान ठाकुर जगमोहन सिंह जी चंदेल, जो कि एक खुद शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य शकुंतला देवी इंटर कॉलेज टिकरा, बहुत ही उच्च कोट के बाणासुर अभिनेता हैं। आपके द्वारा आज सुंदर मंचन देखने को मिलेगा। हेलो, ओ शंकर प्रंकर मैं करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा के उच्चाटन, ये सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्या रक्त पास्ता रक्त चंडी मुंडवाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या सोरी सोशना विलक्षणी वसवती वसुंधरा का कोई मूल रक्तमय वग्र होने के लिए किसी का बलिदान मांग रही है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मांद मांद कश्य पायित होने वाले भगवान प्राण ने छन छाकर उधार करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को थमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही है, थमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही है, या फिर मेरे एक सिहरते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली अग्नि
आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद चलने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद चलने का उल्लास कर रही है, क्योंकि रात का समय है, मांग मांग मारो बदल सारा है, नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ठेलियां ले रहा, और रात की देवी मानसा साए 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए कि अचानक हे मैं क्या देख रहा हूं, मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृति अंकित हुई, नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं, अस्तु नेत्र स्वर्थ है, अस्तु नेत्र स्वर्थ है, हो रहे आज छह अंक फिर क्यों हो रही है महाप्रलय कैसे क्या फिर गिरा इस शैतानी बादल, या फिर कोई शिव भक्त हुआ जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल, क्या कहा किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल, आज वर्ष सौरंदर में ये खोर का पाप कैसा, हे विश्वभर नाथ हे दीनानाथ चिंत चिंता कर सब ब्रह्म मूर्ति ब्रह्माओ से करके एक पद भंग में ये जो संचित कार्य क्यों कर रही, बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर, इस सेवक की शांति क्रिया की अमर वेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुतल लुप्त सब सम्राट श्री पद के पुत्र विराट पाण को क्यों कर देना चाहती है, कष्ट कर देना चाहती है, हाथ चित्त का चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है, इस शीतल लोक का दृश्य मुझे अब किंचित बात नहीं भाता है, फिर से दैत्येंद्र को अब रम कुंभलाता है, अब रम कुंभलाता है, हे भोलेनाथ अब क्या कराओ, मेरा मन क्यों भ्रम खाता है, मेरा मन क्यों भ्रम खाता है, क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो मार को सावधान कर सके, फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बंत ने सावधान सावधान सावधान, अरे किसकी मचलती बुझान रण खेलने को ये मस्तक खुमा जाता है, अस्तो शस्तो से छनका निकलती युद्ध का विवर्तन को मुझे कौन पाता है, कौन कह रहा बाण सावधान, कौन कहता बंत ने सावधान सावधान सदा सावधान करने वाले वीर, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं मैं महायुद्ध में महाकाल ही सब संग्राम है मेरा नाम, हर विश्व मुझे करने वाला झुक झुक करता मेरे प्राण, फिर कौन कह रावण सावधान, फिर कौन कहता भरत ने सावधान 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 सावधान, और राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग विधाता हूं, बहुत प्रिय शशान चार का मैं जो जीवन पाता हूं, फिर कौन कह रावण सावधान, फिर कौन कहता भक्त ने सावधान 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 सावधान, महायुद्ध के प्रथम चरण में चलो तो ये धरती हिल जाए, वो गर्व सही मेरे चक्कर जस बदल जाए, फिर कौन कहता सावधान, फिर कौन कहता भक्त ने सावधान सावधान सावधान, और मेरे चलने से प्ले चले और तेरा दिन तो फोर पवर सब साथ चले, मैं मचलो तो ये मचले दसो दिशाएं, फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल तेरे सावधान सावधान सावधान, ये घबराया सहदेव ये पुतली घूमी जाती है मानव प्रयास के चक्कर में, ये धरा धसकती जाती होने को है क्या महाप्रलय, क्यों मन माम भाग भगता है, गुरुदेव कृपा कर बदला दो, क्यों मेरा हृदय रखता है, क्यों मेरा हृदय रखता है, क्या करो भगवान भोलेनाथ क्या करना, विजित हो गया, आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले, और हाँ हम लोग सुन रहे हैं श्रोणी पुराधीश बाणासुर जी को प्रभावित हुए हैं, इस मंडल के मंडलाधीश आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश जी मिश्रा ज्ञानु मिश्रा आपके द्वारा 50 कुश मुद्राएं साथ ही
समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप जी द्विवेदी आपके द्वारा 50 कुश मुद्राएं मंच पर उपस्थित गुरुदेव आदरणीय श्री दुर्गेश जी त्रिपाठी आपके द्वारा 50 कुश मुद्राएं और 50 कुश मुद्राएं युवा क्लब कंजरी की ओर से भी हैं। और 50 श्रद्धा सुमन श्री बाड़ासुर जी के लिए भेंट किए हैं हमारे व्यास जी आदरणीय नारायण जी त्रिवेदी जी ने। आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्री रथ ने अपनी भूमि या कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। धर्म देशांतर के नेपालों का समागम धनुष यज्ञ और धनुष सुनिवेद का प्रस्तापित हो चुका। हाँ, क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जैसे ने समाप्त किया है। अभी अभी अपना अधूरा देश विजय अभियान है। लंका के शासक, लंका के शासक मछले अरमानों को शगन आता हूं। लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं। पूरे होंगे मनरत्न शल तेरे, मिथिला की नागरी नारती सजावेगी अपहरण के समूह से वेद मस्तक तेरो अभी राशा तेरी शेष न पावेगी। चाहता है विश्व में स्टेट धन फैलाने को, स्टेट धन तेरी फैलाने न पाओ मैं फैला के भो नहीं, मिथिला की भूम में तो पावनपुरी कार चल रहा है, इसलिए मिथिला की भूम नहीं कोई और भूम बनेगी। रणभूम आज जानकी ही तेरे गले में नवर माला पहनाएगी। अष्टवे राज की रक्षा करी देवियो, रक्षा करना मैं परिधित सुतल लोक से मिथिला प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार उपस्थित भक्त जनों प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। मिथिला के सुसेवक जाकर के श्री योगराज को सूचित करो, मिथिला में श्री बल के पुत्र युवराज बाण का आगमन हुआ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रभु अपने इस अधिवेशन में देश देशांतर के राजा आए, अभी तक महावत श्रेणी का कोई भी योद्धा नहीं आया। मैंने विचार किया ये अधिवेशन अपना अधूरा हो रहा है, परंतु वीर भटपानी धनी महम भगवत प्रदानम कमनीय कीर्ति बल मस तेजा त्रैलोक्य विजयी प्रकट प्रवाह बारह स्रो श्रोणित नदा, ऐसे असाधारण वीर वली श्री बाणासुरी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु क्या आदेश है हमारे लिए? सेवक बन श्री बाणासुरी का आगमन यह तो सुखद समाचार। और जब वह स्वयं आ गए तो जाएं आप राज्य के अंधकार देखें, क्योंकि बहुत से
अभी ऐसे भी नेपाल हैं, आप उनको देखना है। पूर्व बाहर सुर सरित समीपा उतरे जहां तहां विपुल, आप उन तक जाएं, मैं स्वयं स्वागत करता हूं। बंसी बाणासुर जी, जय श्री शंकर भगवान जी। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाज के आठ अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री शिरध्वज, जय जय श्री शंकर भगवान की। पुरातस्त वस्त बलवान, मेरे किंचित कष्ट का समाचार सुनकर ये सता साहस योजन की कष्टमय यात्रा करके आने वाले, इतना ही नहीं मुझे सांत्वना और सहारा देने वाले मेरे परम मित्र, आपके श्री स्वागत में कुछ हृदय के भाव सुमन समर्पित कर रहा हूं। शुभ कार्य पूर्ण ये बन धुका सुभाग मन, ये पान का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, ये महक उठी गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा, ये मन हुलसी हुलसे उठा, ये पथ निहारते रहे, ये राह में किए नयन, बन दुका सुभाग मन, ये बाण का मधुर मिलन, ये सा जे झन झना उठे, और जब स्वयं हो या कभी कुछ कहने लगे तो आज विरागी को भी, या यूं कह दूं अनुरागी को भी रागी होना पड़ा है। तो ये सा जे झन झना उठे, तो ये राग गुन गुना उठे, चाहती तुम आ गए यहाँ, ये मीत ये रूप पा गए, आज इस धरा से है तल स्वतंत्र आगमन, बन धुका सुभाग मन, ये पान का मधुर मिलन। स्वागत है बंधु। शिष्टाचार के शुद्धांश गौरव, गणेश साध योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से, चारुता में चारु हो गया, तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रोम से ओम
ओम ओम निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं भी मुक्षित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। मैं देख रहा हूं सनातन धर्म का प्रवर्तक, सनातन धर्म का समर्थक, सनातन धर्म का प्रचारक, धर्म धर्मात्माओं की श्रेणी में अग्रणी, संत स्वभाव, पवित्र स्वभाव, ऋषियों योग की समस्त अंगों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाले, ज्ञान के भंडार, ऐसे ही समाज का नेतृत्व करने वाले, जो समाज ही ज्ञान से परिपूर्ण है, संत स्वभाव की समाज है। और देख क्या रहा हूं, ये मानवता का पुजारी आज दानवता के सामने अपने श्रद्धा समर्पण के भाव को प्रस्तुत कर रहा है। विचार करने लगा कि ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि एक मानवता का पुजारी, मानवता का समर्थक, धर्म का प्रचारक, सनातन धर्म का प्रवर्तक, सनातन धर्म का संचालक आज एक दैत्य के सामने समर्पण। हाँ, हमें याद आ गया, क्योंकि हम मानवता के प्रचारक हैं, मानवता, मानव की सभ्यता के प्रचारक हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं। तो मेरा ध्यान पहुंच गया मानवता शब्द की ओर, तो मैंने पाया कि मानव में ता प्रत्यय लग गई, ता प्रत्यय विशेषता का बोध कराती है, गुण का बोध कराती है, अर्थात मानव के द्वारा गुणों से युक्त किए गए कृतित्व को ही मानवता कहते हैं। मानव के द्वारा गुणों से युक्त कृतित्व को, किए गए कृतित्व को, किए गए कार्य को ही मानवता कहते हैं। तो इस स्वभाव को आप छोड़ कैसे सकते हैं? जैसे एक उदाहरण से मैं जोड़ रहा हूं, एक संत जी नदी में स्नान कर रहे थे, बिच्छू का नदी में बहना, संत का उसे अपनी अंजलि में लेना, संत का स्वभाव बचाना था और बिच्छू का स्वभाव उसे काटना था। तो बिच्छू ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और संत ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। भले आज दानवता का प्रतीक, दानवता का प्रचारक आपके सामने है, लेकिन आपने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। तभी तो मैं कहने के लिए विवश हो गया, हे मानवता की साकार मूर्त, हे मानवता की साकार मूर्त, दानवता को जलने वाले सत्य, अहिंसा और न्याय का आदिक पालन करने वाले है कौन कार्य जग में ऐसे जो तुम नहीं कर सकते हो? है कौन कार्य जग में ऐसे जो तुम नहीं कर सकते हो? तुम अपनी इस निर्मल वाणी से पत्थर भी पिघला सकते हो। है कार्य तुम्हारे सीरत ध्वज झिलमिल झिलमिल झरना झरने वाले, हे मानवता की साकार मूर्त। सुना है मैंने आपका प्रण, सुन करके ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और जाना है, बेटी का विवाह है और बेटी के विवाह में सहयोग की भावना से उपस्थित हूँ। मेरे लिए कोई आदेश त्वरित पारित करें। आए पिराजे बंधु, मिथिला की व्यवस्था अब अपन अनुसार व्यवस्थित करें, किंतु निम्बंस की मर्यादा के अनुसार। व्यवस्था की, मिथिला की व्यवस्था को व्यवस्थित करें, जब व्यवस्था है ही सुचारू रूप से तो फिर क्या व्यवस्थित करना? कोई अव्यवस्था हुए तो व्यवस्थित करें। और उसमें एक शर्त आपने लगा दी कि निम्बंस की मर्यादा, तो मर्यादा में तो बहुत सारे कार्य हो पाते हैं, कभी कभी नहीं हो पाते। नहीं, मर्यादा में ही अव्यवस्था, तभी तो मैंने मर्यादा, हम समझ गए मर्यादा कैसे रखनी है। तो निमिवंश ने शास्त्र का सदैव पालन किया और शास्त्र कहते सठे साध्यम, जो जैसा करे उसके साथ वैसी व्यवस्था। अब हम समझ जाए।
मिथिलापुर के श्रेष्ठ सुयोग सुच सेवक आदेशित करें प्रभु और राजा सीरत ध्वज जनक को सूचित करो त्रिभुवन सम्राट रावण का आगमन हुआ है, हमारे आगमन की सूचना अपने महिपाल तक पहुंचाओ। आपकी आज्ञा सिरोधार है महाप्रभु। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, सभावत हे प्रभु। इस अधिवेशन में ये राजा लोग आए, महावट की श्रेणी में श्री वाणासुर जी आए, सौभाग्य का विषय है। हे महाराज, आप देख रहे हैं सम्मुख आपके विश्व के वैभवशाली सम्राट दशक ग्रीव दशानन श्री रावण जी आ गए हैं। क्या मिलना चाहेंगे आप? सेवक, दशानन जी क्यों आ गए? कारण है, चाहे जितने राजा आ गए हो, कोई भी आ गया हो, पीरों की वह सभा पूर्ण ही नहीं होती। जिस सभा में श्री दशानंद जैसे महायोद्धा महाव्यक्तित्व का आगमन न हुआ हो, आज तो आपके मात्र आगमन से ये सभा तो पूर्ण हो गई। चाहता हूं आप भी परिपूर्ण हो जाए, मैं स्वयं स्वागत करता हूं। उपमा रहे, क्या उपमा दूं? अपूर्व गुण ज्ञान पूज्य प्रदर्शक उत्तम कुल के सूर सीलवान सुषमा संचित सरस सावन सने प्रकांड प्रतापी प्रतिभा पुलकित पुलकाए वेदों में विज्ञ विद्वता से परिपूर्ण माता कैकेयी की गोद को धन बना देने वाले उद्भट विद्वान प्रणाम। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक कर्णधार अष्टांग योगी शिष्टता सभ्यता सहिष्णुता एवं स्नेह के स्वामी सत्यवादी समदर्शी अविदेव जिसे देह रहते हुए भी देह का ज्ञान न हो। देह तो हो, शरीर तो हो, पर शरीर का भान न हो, शरीर का अभिमान न हो, ऐसी विदेहत तो पात अलंकृत राजा सीरथ जनक। जय श्री शंकर भगवान की। शुभ सुखद संयोग की, आज शुभ है और सुखद है। शुभ और सुखद का संयोग या हमारा आपका संयोग या हम सबका संयोग या संयोग ही है। ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या दूं। बंधु दर्शन हित दिगों में ये पलकों के पांवले बिछाए, और प्राणों ने परस कर ये पग अमर बरदान पाए, पग अमर बरदान पाए। पूज्य, आज जब मैं इधर या उधर या यूं कह दूं 34 दृष्टिपात करता हूं, तो आज मैं नहीं
की खिल खिला कर हंसी पड़ी ये चहुओर कुछ कहती ये गलियां। संसार के लोग जब आपको पाते हैं, आपका दर्शन करते हैं, तो बड़ा कठोर कठिन पाते हैं। जब मैं आपका दर्शन करता हूं तो बड़ा सरस सरल कोमल पाता हूं। विचार करता हूं कि ऐसे महान व्यक्तित्व की उपमा मैं किससे दे दूं। जब उपमाओं की ओर मेरा ध्यान गया तो सारी उपमाएं झूठी थी। ऋतुओं के ओर विचार किया तो ऋतुएं आती हैं, वृक्ष पल्लवित होते हैं और ऋतु समाप्त होती है, पतझड़ होता है। एक ओर ध्यान गया कि आपकी उपमा क्यों ना फूलों से दे दूं। जब फूलों की ओर ध्यान गया तो आपका जीवन मुझे फूलों से भी कोमल मिला। तो ऐसा जीवन विचार किया क्यों ना आपकी उपमा, आज मैं आपको फूलों का राजा नियुक्त कर दूं, फूलों से भी ऊपर उपमा दे दूं। कि ऋतुराज जब की ये श्रेय का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या दूं। प्रणाम पूछो प्रणाम। राजन प्रथम तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद। मधुरिमा तौ कंठ में चिरकाल तक अनंत काल तक अनाधिकाल तक रहती रही। राजा जनक सूखे अधरों से निकल सके मुस्कान बहुत है और बीड़ा के टूटे तारों से निकल सके वो तान बहुत है। जीवन में जितने भी पूरे हो जाए अरमान बहुत है और जीवन में मिल जाए एक अच्छा इंसान बहुत है। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों वंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला आकर खिल उठा मंजु मानस मराल, तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला, मिथिला की ही नहीं पूर्व लोगों की या फिर इस योगी की जिसने किया हर से तन मन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों वंदन। सुना मैंने तुम्हारा प्रण, चूंकि आज यहां जो भी आया है वो सुनकर आया है और हम भी सुनी गए। चूंकि आज हमारा कर्तव्य कह रहा है कि रावण तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ जाना चाहिए, तो हम अपने कर्तव्य की ओर बढ़े और तुम अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो। भगवान शंकर के प्यारे दिपास प्रथम ये रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात राजा जनक के द्वारा जो प्रण किया गया है उस पर चिंतन करता है। राजा जनक ने प्रण किया है सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज तोड़ा। ये कोई नया विषय नहीं है, प्रण करना कोई नया काम नहीं है। क्षत्रियों के दो आभूषण होते हैं, एक होता है प्रण और दूसरा होता है रण। ये प्रण करें और रण करें। इसके आगे जब मैं बढ़ा तो आगे जब हमारा ध्यान गया तो बात आई त्रिभुवन जय समेत
जब धनुष जिसके द्वारा तोड़ दिया जाएगा वो सीतापति सुनिश्चित हो जाएगा, तो फिर हट करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हमारा मानना है जहां हट है वहां संकट है, जहां पर हट है वहां संकट है। और ये राजा है ज्ञानी, इसके ज्ञान के विषय में जब मैंने जानने का प्रयास किया तो जनाया गया जाठ ज्ञान रवि भावनित नाचा, इसका ज्ञान ऐसा है और हट संकट को जन्म दे देता है। तो ये जानबूझकर ये संकट क्यों लेना चाहता है? भाई संकट का आ जाना ये विषय अलग, संकट आ जाए तो व्यक्ति को सामना करना चाहिए, लेकिन हम जानबूझ के संकट बुला हुए ये जानते हुए भी कि हट्टा में संकट को जन्म दे देता है, तो फिर राजा को हट नहीं करना चाहिए। प्रण पूरा हो जाता, विवाह हो जाता, ये हट क्यों है? ये हम समझ नहीं पा रहे। मिथिला विद्वानों की नगरी है भाई, अगर इसने हट्टा किया है तो इसमें भी कोई ना कोई रहस्य होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मिथिला विद्वानों की नगरी है, कोई ना कोई विद्वान उठेगा, हमारी बात का समीचीन उत्तर करेगा। लेकिन इसके पहले जब तक ये अनसुलझी वार्ता को मैं सुलझा नहीं लेता, तब तक मैं राजा जनक के स्मरण में अवरोध लगाता हूं। कब तक? जब तक इस विषय को सुलझा नहीं लेता तब तक। मिथिला समाज के मध्य सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन, तत्पश्चात श्री रावण जी का समाज में एक उद्बोधन। उद्बोधन में श्री रावण जी ने एक आधार बनाया कि प्रण और रण तो ये क्षत्रियों के आभूषण हैं, प्रण भी ये करते हैं और रण भी ये करते हैं, यहां तक तो ठीक है। विनय विचार बरई हटते ही ये रावण जी को केवल समझ में आई है, जब धनुष तोड़ने वाला सीता का पति हो जाएगा तो फिर विनय विचार बरई हटते ही क्यों? क्यों रावण जी ने श्रृंखला को बढ़ाते हुए कहा कि हट करने के बाद संकट आता ही है, ऐसा सिद्धांत बना दिया, बता दिया इन्होंने कि हट करने के बाद संकट आता है। राजा जनक है ज्ञानी तो कैसा है? तो आपने बताया जास ज्ञान रविभवनिस नासा, तो ज्ञानी के द्वारा फिर ये जान करके हट का कार्य क्यों? चलिए बढ़िया है, यद्यपि शब्द अगर ज्ञानी के लिए ये शब्द प्रयोग कर दिया जाए तो ये उचित नहीं होगा। मिलते हैं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जब तक इस उलझी हुई वार्ता को सुलझा नहीं लेंगे तब तक कड़प पर अवरोध लगाते हैं। मिलते हैं, साधारण व्यक्तित्व है नहीं, जाना है रावण नाम वीर वर बंडा, आप रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं। वीरों की कोटियों की ओर जब हमारा ध्यान पहुंचा, भट उद्भट सुभट महाभट, आप महाभट कोट के योद्धा हैं। ग्रंथकार ने मुझे भी आपके समकक्ष में लाकर के खड़ा कर दिया, रावण बाण मां भट, फिर तो हमें अब ग्रंथ का ही सहारा लेना चाहिए, शास्त्र का ही सहारा लेना चाहिए। तो शास्त्र हमें निर्देशित करते हैं कि वीर वीरेण पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए, इस सिद्धांत का हम पालन करते हैं। एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं, हमारी बुआ रत्नमाला, उनकी बेटी उनकी पुत्री वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है, इस कारण भी आप हमारे मान के मान हैं। हमारा नैतिक धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अस्त मिथिला की पावन भूमि पर रत्न संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुलदीपक महाकेशी के गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, मिथिला की पावन भूमि पर ये बाण आपका अभिनंदन करता है,
आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है, स्वीकार करता है। दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, श्रीदेव, बलिपुत्र बाण, जय श्री शंकर भगवान की। सम्मानित शरण जी, आपने कहा कि बिना ही विचार बरई हट, क्योंकि मूल शब्द पर ही बढ़ जाए अन्य वार्ताओं से। यहाँ जो हट शब्द का प्रयोग है, ये क्यों है? या तो फिर आप इसे समझ नहीं पाए, या फिर आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, समझना नहीं चाहते। यहां पर इतने पहले मैं सामान्य चिंतन के साथ जुड़ जाऊं, क्योंकि ग्रंथकार ने इस ग्रंथ को मात्रिक छंदों में वर्णित किया, मात्रिक छंदों में लिखा। तो जब मात्रिक छंदों में किसी काव्य की रचना होती है, तो मात्राओं को प्रमुखता से ध्यान दिया जाता है, मात्राओं का प्रमुखता से ध्यान दिया जाता है कि मात्राएं पूरी रहनी चाहिए। अगर चौपाई है तो 16-16 मात्राओं के चरण होने चाहिए। ग्रंथकार ने इस बात को प्रमुखता से इस ग्रंथ के निर्माण में, इस ग्रंथ की रचना में उसने रखा। दूसरी बात, इस कारण यहाँ हट शब्द का प्रयोग हुआ। अब क्योंकि उसने हट शब्द का प्रयोग किया है, और आपने भी हट शब्द को आधार बना करके हट की है, आपने भी हट की है कि जब तक इस बात का सुलझा नहीं दिया जाएगा तो अब हट है क्या? तो हट एक अनेकार्थी शब्द है। हट क्या है? अनेकार्थी शब्द है। हट माने होता है जिद, हट माने होता है पाराग्रह। पाराग्रह वो पाराग्रह, जैसे एक उदाहरण से जोड़ दूं, जैसे बालक अपने पिता से कहे कि मुझे मेला देखना है, ये पाराग्रह। बालक कह दे अपने पिता से कि मुझे मेला देखना है, तो लोगों की दृष्टि में ये आएगा कि वो हट कर रहा है, जिद कर रहा है, लेकिन ना, ये पाराग्रह हट है, ये पाराग्रह की कोर्ट में जाता है। इस प्रकार के हट से कोई हानि नहीं होती है। हट माने होता है दृढ़ प्रतिज्ञा, हट माने होता है संकल्प। तो जब हट शब्द का जो प्रयोग हुआ मात्राओं की पूर्ति के लिए हुआ, तो यहां पर जो हट शब्द का प्रयोग है, ये क्या बोध करा रहा है कि बिना विचार बरई हट, माने जिसके द्वारा भी धनुष का खंडन कर दिया जाएगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही उसे त्रिभुवन का विजेता घोषित किया जाएगा, और वैदेही बिना विचार उसके साथ दुआ करने में किंचित मात्र भी विचार नहीं करेगी, और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वरण कर लेगी। या हट का अर्थ है कि प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वरण कर लेगी, ना कि उसका अर्थ यह है कि वो जबरदस्ती उसका वरण कर लेगी। हाँ, आपने कहा हट से समस्या का जन्म होता है, संकट आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात। कौन से हट से समस्या का जन्म होता है? जिद से। हट माने जिद। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में जिद करता है तो संकट का प्रादुर्भाव होता, तब संकट सामने खड़ा होता। जैसे आपकी मां ने जिद की, देखिए जोड़ रहा हूं, आपकी मां ने आपके पिता विश्वसरवा से पुत्र की अभिलाषा से पहुंचना, और वहां उसी क्षण रतदान का मांगना अर्थात जिद करना, जबकि बहुत कुछ समझाया आपके पूजनीय पिता भी ससुरवा जी ने, लेकिन आपकी मां नहीं मानी, तो जिद की आपकी मां ने, तो जिद का जो परिणाम होता है वो संकट पैदा करता है, और तुम्हारा फिर जन्म हुआ और तुमने समाज के लिए संकट बढ़ा दी, तुम संकट के रूप में पैदा हो गए, तुम समाज के संकट बन गए। अल्प विराम के साथ अब मैं छोड़ रहा हूं। आइए, जहां से आप छोड़ रहे हो वहीं से शुरू हो रहे हैं। कह रहे हो तुम्हारी माता जी ने हट किया, तो संकट किसके सामने आना चाहिए? भाई संकट माता जी के सामने आ जाना चाहिए। बोले तुम संकट बन गए। मैं फिर कह रहा हूं, हट ठीक नहीं, हट ठीक नहीं है, चूंकि हमें एक आधार मिला। आइए इस बात को आधार से जोड़ते हैं। गुरु शुद्ध संबल धर्म फल पाई बिनय कलेश, और हट बस सब संकट सहे गालो नहुस नरे। एक शब्द आया है इसमें गालो, हो सकता है बहुत लोग गालो को न जानते,
है कोई ऐसा जो जानता हो? ये कालो कौन थे? तो कालो महामुनि विश्वामित्र के शिष्य थे और गालो विश्वामित्र के पुत्र भी थे। गालो के द्वारा गुण ऋण चुकाने की हट की गई। परिणाम यह हुआ कि गालो को संकट का सामना करना पड़ा। अगला नाम आया राजा नहुष का। नहुष इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो गया लेकिन हट की गई किससे? इंद्राणी से मिलने के लिए। परिणाम यह हुआ कि अजगर बनना पड़ा। हट से नहुष अजगर बन गया। तो हट संकट को जन्म देता है और राजा जनक अगर हट कर रहा है, हम नहीं कह रहे, ये सिद्धांत कह रहा है और सिद्धांत से मैं जोड़ रहा हूं कि ऐसा ना हो कि हटता के कारण इसकी बेटी के जीवन में भी संकट खड़ा हो जाए। ऐसा ना हो जिसके लिए ये हट कर रहा है उसका जीवन भी संकटों से भरा हो जाए। तो जब हम जानते हैं कि हमारे सिद्धांत ये हैं, शास्त्र ये कहते हैं, तो फिर हमको ये हट नहीं करनी चाहिए। अल्प विराम। चलिए हमारी बात को कहीं ना कहीं से आप अनुमोदित करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि मैंने हट शब्द के चार अर्थ बताए थे। जो नहुष और गालों का उदाहरण आपने रखा, ये जिद का प्रतीक था और मैंने ये कहा था कि जो व्यक्ति जीवन में जिद करता है उसके जीवन में संकट आता है। आपने कहा कि हमारी माँ ने जिद की थी तो संकट समाज पर है ना, आपकी माँ पर भी संकट था। और अगर माँ पर संकट नहीं था तो आपका जन्म हो गया, आपके भाई कुंभकर्ण का जन्म हो गया, आपकी बहन सूपनखा का जन्म हो गया, सभी कुरकर्मा पैदा हो गई, सभी कुरकर्मा पैदा हो गए। माता के जीवन में संकट खड़ा हो गया कि विश्वसरवा का बेटा, विश्वसरवा के बेटे भी सब राक्षसी पर्वत के पैदा होंगे। माता ने आपके पिता को प्रसन्न किया और उनसे कहा कि मेरी इस समस्या का निवारण करो, जो अब मेरे गर्भ में बालक है क्या ये भी इन्हीं के जैसा पैदा होगा, कुरकर्मा पैदा होगा? तो आपके पिता ने कहा नहीं, क्योंकि अब तुमने अपने भूल को सुधार किया है, तुमने जिद छोड़ दी है, क्योंकि अभी तक तो केवल तुम चाहती थी कि मैं बालक मुझसे पैदा हो, वीर पैदा होगा, वीर पैदा होगा, तो हमने सब वीर दे दिए। आपने कर्मवान बालक की प्रार्थना कहां की थी? अब क्योंकि तुमने जिद छोड़ दी है तो जो तुम्हारा अंतिम बालक होगा ये कैसा होगा? ये विष्णु भगत कैसा होगा? ये विष्णु का भक्त होगा, ये सनातन धर्म का अनुयायी बन जाएगा। तो संकट तुम्हारी माँ के सामने ही था। हमने एक बात जोड़ी थी कि तुमने, तुम्हें जन्म दे करके समाज के लिए संकट बना दिया, तो ये बात भी ठीक है कि आपको जन्म हुआ, आप समस्या समाज के लिए बन गए। साधारण समस्या नहीं बने, बहुत बड़ी समस्या बन गए। आज की वर्तमान की तुमसे बड़ी कोई समस्या ही समाज में नहीं है, तुम सबसे बड़ी समस्या हो समाज के लिए। दूसरी बात, आपने कहा नहुष, नहुष को अजगर बनना पड़ गया। हाँ बिल्कुल, मैं अनुमोदन करता हूं आपकी बात का, लेकिन नहुष ने हट क्या की थी? हट माने जिद की थी। उसने बृहस्पति देव को भेजा अपने गुरु बृहस्पति जी को, क्योंकि इंद्र को वृत्तासुर के वध के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। और जब इंद्र को ब्रह्म हत्या वृत्तासुर के बाद लग गई तो इंद्र 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए कमल की नाल में प्रवेश कर गए। कमल की नाल में इंद्र जब प्रवेश कर गए ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए, तो इंद्र का पद रिक्त हो गया। तो क्योंकि ये राजा इच्छाक वंश के ही राजा है नहुष, तो इनके धर्म परायणता, इनके व्यवहार कृतित्व को देख करके देवताओं ने इन्हें इंद्र का पद प्रदान कर दिया। बृहस्पति जी की अनुमति से, अनुमोदन से वो इंद्र के पद पर बैठ गए। अब जब इंद्र के पद पर बैठे तो इनके मन में अहम का जन्म हुआ, अहंकार का जन्म हो गया कि जब मैं हूं इंद्र तो इंद्र के बगल में शची का होना आवश्यक है। ये अहम का प्रतीक हो गया। इसकी एक उन्होंने यहां तक तो भी जिद नहीं की, उन्होंने अभी यहां तक उनकी जिद नहीं है, एक अहम का प्रतीक हुआ और उन्होंने अपने
अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को बुलाया और कहा कि जाओ मेरी सूचना सची के पास पहुंचाओ कि तुम्हें इंद्र ने बुलाया है। सची ने जाने से इनकार कर दिया। मैं संक्षेप में बात जोड़े दे रहा हूं, लंबी वार्ता ना हो। सची ने कहा कि मैं नहीं जा सकती हूं क्योंकि मैं नहुष इंद्र की पत्नी नहीं हूं जो उनको अपना पति स्वीकार करूं। इस कारण सची नहीं गई। परिणाम स्वरूप जैसा कुछ ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि क्षत्रियों को बुलाया गया, कुछ ग्रंथों में मिलता है कि चार ब्राह्मणों को नहुष ने बुलाया और ब्राह्मणों को डोली में कहर की जगह उनका प्रयोग किया, ब्राह्मणों को कहर की जगह प्रयोग किया। कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि नहुष ने क्षत्रियों को बुला करके डोली में कहर बना दिया और डोली लेकर के जिस समय वो ब्राह्मण चल रहे हैं, क्षत्रिय चल रहे हैं, जो भी जोड़ लें आप अपने क्रम में जैसा जोड़ लें, चल रहे हैं, तो इंद्र क्योंकि उसको इतनी व्याकुलता है, नहुष को इतनी व्याकुलता है कि बहुत जल्द ही वो सची से मिलना चाहता है। तो कह रहा है उन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से क्या कहता है, सर्प 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 शीघ्र चलो शीघ्र चलो शीघ्र चलो शीघ्र चलो। ये बात ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी और एक ग्रंथ में ऐसा वर्णन आया है कि ये कहते हुए नहुष ने एक ब्राह्मण को लात मार दी, उन क्षत्रियों में ऋषि अगस्त को लात मार दी, तो ऋषि अगस्त ने उसे श्राप दे दिया कि सर्प सर्प, तो जाओ आज के बाद तुम हो जाओ सर्प, और वो अजगर बन करके मृत्युलोक में पड़े हुए हैं। यद्यपि उनका उद्धार हो गया, हाँ वो क्योंकि बात का अगर हम जिस धरातल पर खड़े तो अभी नहीं हुआ है, जिस धरातल पर खड़े हैं तो अभी उद्धार नहीं है, लेकिन जहां लीला मंचन कर रहे हैं इस धरातल पर, माने जो कलयुग का धरातल, तो वहां पर उनका उद्धार भी हो गया है। तो ये इस कारण क्या किया, उन्होंने जिद की, हट नहीं, हट में भी उन्होंने क्या किया, जिद की, और यहां पर जो है ये हट माने है संकल्प, हट माने है प्रतिज्ञा, जो उनके पिता ने प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा के अनुसार सीता विवाह करने में वरण करने में किंचित मात्र भी विचार नहीं करेगी। अल्प विराम के साथ फिर मैं छोड़ रहा हूं। आइए, तुमने अपने क्रम से परोसने का पूरा सफल प्रयास किया, नहीं हर व्यक्ति प्रयास तो सफल ही करता है, भरे बाद में असफल हो जाए, लेकिन प्रारंभिक प्रयास उसका है जो सफलता की ओर, उसको समझ में आता है कि मेरा ये सफल प्रयास होगा। तुमने कहा ये जिद है, हट माने जिद, मैं फिर एक हट को प्रमाणित कर रहा हूं, नहुष ने जिद किया परिणाम अच्छा नहीं हुआ, गालों ने हट की परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अरे मानवों की तो सजा छोड़ दो, अगर परमात्मा भी हट करता है तो परिणाम अच्छा नहीं होता। मैं इनकी चर्चा नहीं करता, एक बार तीन महाशक्तियों ने हट किया, किसने, नारद जी के कहने पर माता लक्ष्मी, माता सती, ब्रह्माणी, नारद जी ने कह दिया संसार में अगर कोई सती है तो वो केवल माता अनसुईया है। ये बात इन तीनों को हजम नहीं हुई, इन्होंने भगवान शंकर से सती ने, विष्णु से लक्ष्मी ने, इंद्राणी ने, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से हट किया कि इनकी परीक्षा ले। परिणाम यह निकला कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये संत का वेश बनाकर माता अनसुईया के यहां पहुंचे और बोले मुझे भोजन करा दो। कथा बहुत लंबी है लेकिन मैं केवल सार तत्व लूंगा, मुझे भोजन कराओ। बोले ठीक है हम भोजन कराएंगे, लेकिन बोले एक बात है इसमें, क्या, बोले भोजन हम तब करेंगे जब तुम निर्वस्त होकर हमें भोजन कराओ। आया हुआ अतिथि, माता ने सोचा अगर ये चला गया, इसने भोजन के लिए हमसे कहा है, अगर
कैसे मैंने भोजन नहीं कराया तब भी मैं अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रही हूँ, तो माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व को लगाकर ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6 वर्ष का बालक बना दिया और अपना स्तनपान करा दिया। परिणाम ये निकला कि उन तीनों महाशक्तियों को माता अनुसुईया के यहां शरणागत होना पड़ा। तो हट अच्छी नहीं है, हट अनुमोदन अब तक अनुमोदन जितनी भी तुम हम जितनी भी आप ही की वार्ता को अभी तक रहे अब तक हम अपनी तो रख ही नहीं रहे। नहीं अपनी रखो। अच्छा ये क्या रख रहे हो अगर हम अपनी नहीं रख रहे हो? तुम्हारी बात को हमेशा रख रहे हैं, तुम्हारी बात पर ही अपने विचार दे रहे हैं। नहीं हमारी बात इसी को जरा थोड़ा ले ले। बढ़िया। वहां पर ब्रह्माणी उमा और रमा तीनों ने हट का अर्थ क्या निकलता है? क्या प्रतिज्ञा की? हमने इसी वजह से ये बात रखी है पहले से कि हट माने प्रतिज्ञा, हट माने संकल्प, हट माने पाराग्रह, हट माने जिद। ये माताओं की जो थी ये पाराग्रह की कोठ में है हट, कि संकल्प है माताओं का या प्रतिज्ञा है माताओं का? तो उत्तर निकल के फिर आएगा कि ये माताओं की जिद है कि नहीं, जा करके तुम उनका परीक्षा लो। ये जिद है उनकी। और मैंने पहले ही कहा था कि जिद हट जो है, हट माने जिद, जहां जिद है वहां संकट है। तो यहां माताओं ने हट किया, जिद की, संकट उनके सामने आया, इसमें कोई नई बात हुई? अब जरा ये एक बात हम जोड़ दे, फिर आप बोलिए अपने क्रम में। एक क्षण यही रुको। अच्छा चल रुक गए। माताओं की हट जिद है, राजा जनक की हट कौन सी है? ये प्रतिज्ञा है, ये तो प्रतिज्ञा है, ये तो उसका प्रण है, संकल्प लिया गया है उसके द्वारा। दोनों जोड़ ले। राजा जनक ने तो प्रतिज्ञा की है, इसलिए यहां राजा जनक की जिद नहीं है, ये प्रतिज्ञा है और प्रमाणित है। भाई बंदी भी कहता पर कहूं मैं, क्योंकि यद्यपि ये हमें पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये विषय अभी नहीं है, क्योंकि वहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया सोई। सोई का बोध ही हमारे आपके आगमन और प्रस्थान के बाद का है, तो इस वजह से इसे पढ़ना अनुचित हो जाएगा। और मैं कतई कुछ भी ऐसा नहीं जाना चाहता हूँ कि भविष्य के धरातल को मैं छू करके अपनी बात रखूं। जो भी बात है अब तक के धरातल पर ही यात्रा करें तो ही उचित है, क्योंकि मैं भविष्य के धरातल पर नहीं जाना चाहता। जैसे आपने एक बात कही थी कि बेटी को संकट उठाना पड़ सकता है, तो आपकी दृष्टि में संकट हो सकता है जब भविष्य के धरातल पर जाए? नहीं ये बात भविष्य के धरातल से थोड़ी है कि बेटी को ये बात ग्रंथ के धरातल क्या है? जब ये हमारा ग्रंथ कह रहा है हट बस सब सब ये क्या कर रहा है? तो जिद बस, हट बस बस यही तो हमारा विषय है कि यहाँ हट माने हैं कालो नहुस हम नरे। तो ये यहाँ हमारा जो विषय है कि यहाँ हट माने जिद से है। जिसने जिद की, हमने बताया कि नहुस ने जिद की कि हमें ले चलो सची के पास, ये उसकी जिद थी, कोई उसका संकल्प नहीं था ना उसकी कोई प्रतिज्ञा थी। उसने कहा मुझे ले चलो, तो ये ले चलो जो थी वो जिद थी, वो उसने कोई संकल्प नहीं लिया, कोई प्रण नहीं किया उसने। अब यही तो हम कह रहे हैं। और आपने कहा कि भविष्य में ये संकट संकट वहां भी नहीं है। लौकिक दृष्टि से हो सकता संकट हो, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से क्या होगा? सबरी का क्या होगा? सुतीक्षण का है मर्यादा नहीं है। हम अभी देखो संक्षेप में बोल रहे हैं, अगर ये है कि भविष्य में उसे संकट मिलेगा तो इनका फिर क्या होगा? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रतीक्षा में है, तो ये कारण ये इसी वजह से हमने कहा कि अगर लौकिक दृष्टि से आप भविष्य को धरातल ला के रखेंगे तो ये उचित नहीं है। भविष्य के धरातल में प्रवेश न करें। अगर भविष्य के धरातल में प्रवेश करेंगे तब तो फिर सब अच्छा ही होगा, क्योंकि उनके आने का फिर तो हमें अध्यात्म में प्रवेश करना पड़ेगा, और अध्यात्म में प्रवेश करते हुए हमें ये बताना पड़ेगा कि जानकी पिराए कौन, फिर इसका वर्ण करने वाला कौन होगा। तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारी आपकी सीमा है, सीमांकन है कि हम जहां पर खड़े हैं यहां तक की मर्यादा में ही अपनी बात को रखें, यहीं तक रह करके अपनी बात को पूरा करें, यही अच्छा होगा। चलिए एक उदाहरण से मैं जोड़ रहा हूं। मैया उमा ने हट किया, वो हट कौन सा था? प्रतिज्ञा, संकल्प लिया कि मैं भगवान शंकर को पति के रूप में ही प्राप्त करके रहूंगी। जरा समझना, माता हिमांचल की बेटी माता पार्वती ने, उमा ने
जब उन्हें नारद जी ने बताया कि इसका पति कैसा होगा, तो कपड़े नहीं पहनता होगा, भूत प्रेत उसके साथ रहते होंगे, सर्प उसके आभूषण होंगे आदि आदि, वो शरीर में भभूति लगाए होगा। तो जब ये घटनाक्रम घटा तो वहां पर नारद जी ने कहा कि अगर एक काम किया जाए, ये सारे लक्षण भगवान शंकर में पाए जाते हैं और तुम्हारी बेटी के भाग में ऐसा ही पति है, तो क्यों ना तुम्हारी बेटी एक संकल्प लेकर के भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, प्रयत्न करे। वहां पर पार्वती जी ने संकल्प लिया और जा करके बालू की प्रतिमा बना करके, यद्यप प्रतिमा शब्द भी उपयुक्त नहीं यहाँ पर, यद्यप शास्त्रों में प्रतिमा शब्द का प्रयोग आया है, वहां कहते हैं कि बालू की एक शिवलिंग बना करके उन्होंने पूजा और अर्चना शुरू कर दी, संकल्प ले लिया। पार्वती जी को शंकर जी मिल गए, कहां संकट है, क्योंकि संकल्प लिया गया है तो संकट नहीं है, और जिद होती तो संकट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर संकल्प लिया गया है। इस कारण संकल्प, अगर संकल्प लेने से अगर समस्या हो, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कृत्य को करता है तो अपने आचार प्रवर से वो सबसे पहले संकल्प ही तो लेता है। हमने इसी वजह से ये बात कही थी कि हट है क्या, पहले ये समझो, हम आपकी बात को काट नहीं रहे, लेकिन आप हमें जिद में बार बार प्रवेश करा रहे हैं। अब हम आपको प्रवेश करा रहे हैं पाराग्रह में, संकल्प में, प्रतिज्ञा में, क्योंकि हट एक शब्द का बोध नहीं करा रहा, हट चारों, ये सब 16 दुनिया 8, ठीक है ना, हो गया पर्याप्त, की और अभी और कर रहे होना चाहिए। चलो चलिए लाइए, क्या कह रहे हो मैया उमा का तुमने बताया, एक जरा थोड़ा ऊपर चले जाते, छोड़ना कोई नहीं चाहता किसी के लिए, क्या कोई किसी के लिए कुछ छोड़ना चाहता है क्या, ये उसकी मजबूरी है कि उससे छूट जाता है, कोई कुछ नहीं छोड़ना चाहता। आइए हम इसके और पहले ले चलते हैं, जैसे मैया सती के द्वारा क्या किया गया था, फिर मैं कहूंगा जिद की गई, हट की गई, विषय तो यही है, विषय यही है, हट की गई है। श्रीमान जी ये हट नहीं छूटेगी, और मैं फिर कहूंगा कि संसार के लिए नहीं, हट परमात्मा के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे मैया सती के द्वारा जब हट की गई तो परिणाम यह हुआ कि शरीर छोड़ना पड़ा, किस कारण, हटता के कारण। मैया सती के जीवन में अनेकानेक संकट आए, संसार में जिसको जो दिया गया हो, स्त्री के लिए भगवान शंकर ने जो स्थान दिया था, अगर वो स्थान ही खींच लिया तो इससे बड़ा कोई संकट होगा। तो मैया सती के जीवन में भी संकट आया, और उसी की पुण्यवत्ति, देखिए जोड़ के ला रहा हूं, उसी की पुण्यवत्ति मैया पार्वती ने की है, हट न छूट, छूटे या देही, क्योंकि वो जानती है कि इस हट से देही छूट चुकी है। उस हटता के कारण देही छूट चुकी है, हट अच्छी नहीं होती है, हट ना करो। अब राजा जनक जो कर रहा रहा है वो कर ही रहा रहा है, हमको लगा जब तुम हो हट के बस ही भूत हो गए, दिखावन का नहीं, हम बड़े बड़े के दिखा दी, यो पकड़ ले, अगर वो ने पकड़े यो वाला पकड़ो। चलिए, आपने जो वार्ता रखी बढ़िया, इसमें भी देखिए हमारी बात निकल के फिर आ गई, हम अभी अपनी बात पर वहीं के वहीं खड़े हैं, अब आप भी अपनी बात पर ही उदाहरण लाकर रख रहे हैं। माता ने क्या किया, क्या संकल्प लिया, क्या माता ने कोई प्रतिज्ञा की, क्या माता ने कोई पाराग्रह किया,
कोई अभिलाषा व्यक्त की ना? माता ने सीधे जिद की कि नहीं मैं परीक्षा लूंगी जाके। समझाया? भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन माता नहीं मानी, जिद की, परीक्षा ली, परिणाम उन्हें ये आ गया, भोगना पड़ गया, उनको मरना पड़ गया, प्यार त्यागना। अब आइए जरा प्रवेश करते दूसरी जगह पर। अब मैं यहाँ जो ये भगवान शंकर का आपने लाके धरातल खड़ा किया, अगर इसको देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर के साथ जो भी विश्वासघात कर देता है उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरता, उसके साथ ये स्थिति होती है कि उसे कहीं न कहीं अपने प्राणों को छोड़ना ही पड़ता है अथवा किसी के माध्यम से उन्हें अपने प्राण छोड़ने पड़ते हैं। क्योंकि माता ने वहां पर जिद के साथ एक काम और किया था कि विश्वास भगवान शंकर का तोड़ा था। कसुलकीन, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी तरह मैंने परीक्षा, तुम्हारी तरह नमन किया, प्रणाम किया, मैंने तुम्हारी तरह प्रणाम किया है, मैंने कोई भी कुछ नहीं किया, झूठ बोली, विश्वास तोड़ दिया। जब जो व्यक्ति विश्वास भगवान शंकर का तोड़ता है उसके साथ वही होता है जैसा माता सती के साथ हुआ है। अब मैं इस धनुष से जोड़े दे रहा हूं प्रसंग को, इस धनुष ने भगवान शंकर का विश्वास तोड़ा है तो इन्हें भी तो नष्ट होना ही है एक ना एक दिन, क्योंकि जो भगवान शंकर के साथ विश्वास तोड़ता है, भगवान शंकर के विश्वास को तोड़ता है उसे इस मृत लोक से जाना ही पड़ता है। वो बहाना कारण कोई भी हो सकता है और इसी आधार और कारण से इन्हें भी इस मृत लोक से जाना पड़ रहा है। अब जरा जोड़िए यहां से लाइए जरा, चलिए आपने विषय बदला है और हम आपके विषय पर ही आ जाएंगे। लेकिन एक चोट हम करके तब आगे जाएंगे। तुमने कहा ये अभिलाषा लेकर कि राजा जनक ने प्रण किया है, पहले प्रण किया कि पहले हट किया है? चलो तुम्हारी बात हम मान ले तो पहले प्रण है कि पहले हट है? पहले प्रण है फिर प्रण के बाद हट है, यही तो गलत है, यही गलत है। अगर यह प्रण के पहले होती तो तुम्हारी बात मैं स्वीकारता। क्या कह रहे हो? भगवान शंकर से जो दूरी बना लेता है उसको समाप्त होना पड़ता है, वो फिर किसी न किसी बहाने से दूरी बना लेता है, दूर कर देते हैं। अच्छा, ये भगवान शंकर से कितने दिन से दूरी बनाए? भगवान शंकर के यहां से राजा जनक के यहां आए कितने दिन हो गए? 15-16 पीढ़ी व्यतीत हो गई, दूरी तो बनी रहा कहे नहीं भाई, चले जाना चाहिए क्योंकि भगवान शंकर से दूरी बन गई है और दूरी बने 16 पीढ़ी हो ही गई, क्यों नहीं गई? ये सब स्वार्थियां, ये अपने स्वार्थ में भगवान शंकर का धनुष, भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर का डमरू सब तोड़वा डरी है, सब तोड़वा डरी है, अपन स्वार्थ केवल सिद्ध कर। और ये रावण के होते होने वाला नहीं है। आइए यात्रा करते हैं, बढ़िया यात्रा आपने दी। आपने कहा ये भगवान शंकर से कब से दूर है तो आपने कहा कि 15 पीढ़ी होगी, चलिए ये भी किसी ग्रंथ का प्रमाण होगा, लेकिन जैसा दर्शन मिलता है कि ये 27वीं पीढ़ी के राजा जनक हैं, जनक के 27वीं पीढ़ी के निमि से मिथि के बाद से जितने भी ये 27वीं पीढ़ी है, कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि 15वीं पीढ़ी में राजा जनक है, हम इस बात को काट नहीं रहे। आपने कहा कि ये 15 पीढ़ी से है तो कहे अब तक इनका चला जाना बहुत दिन से दूर है, अब तो इनका हो गई दूरी, अब तक चला जाना चाहिए। शायद जिस समय इन्होंने विश्वास तोड़ा था भगवान शंकर का और जब भगवान शंकर ने इन्हें अपने से अलग किया था तो एक बात वहां रखी गई थी, उस बात पर आपका ध्यान नहीं गया, उस बात पर आपका ध्यान नहीं गया। वहां एक बात रखी गई थी कि जिस समय ये अमुक व्यक्ति के हाथों की शोभा बन जाएंगे उसी दिन इनका उद्धार हो जाएगा। क्या इसके पहले वो व्यक्ति आज तक मृतलोक में आया? अब तक वो व्यक्ति नहीं आया है, उसी की प्रतीक्षा में ये धनुष
अभी तक रखा हुआ है, इसमें तो लोग से मुक्ति नहीं पा पा रहा। एक चिंतन मिलता है ग्रंथ का कि वास्तव में तो एक विश्वासघात तो ही, इससे एक पातक भी लगा हुआ है। जिस समय भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का शीश से काटा, ब्रह्मा जी का शीश भी इसी से काटा गया है, भगवान शंकर ने काटा। जब एक बार ब्रह्माणी की इच्छा हुई कि मृत्युलोक में जाकर के हम विचरण करें, मृत्युलोक का आनंद लें। लोग कहते हैं कि मृत्युलोक में बड़ा सुख है, चलो हम भी मृत्युलोक का आनंद लेने के लिए जाते हैं। ब्रह्माणी जी मृत्युलोक में आ गई, उन्होंने विचार किया अगर मैं ब्रह्माणी के रूप में रहूंगी तो फिर हमें आनंद नहीं प्राप्त होगा। उन्होंने एक मृगनी का रूप धारण कर लिया, हिरणी का रूप धारण कर लिया और हिरणी के रूप में वो विचरण करती रही। ब्रह्मा जी को जब ब्रह्माणी नहीं मिली, उन्होंने देखा कि ब्रह्माणी कहां है, तो पाया कि ब्रह्माणी तो मृत्युलोक में हिरणी मृगनी के रूप में घूम रही है, ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया ब्रह्माणी के बगैर। वो भी मृत्युलोक में आ गए और मृग का रूप बना करके वो विचरण करने लगे। ये बात शंकर जी को अच्छी, भगवान शंकर ने कहा कि मृत्युलोक का मानव अगर ये कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मा जी भी यही करेंगे कि ब्रह्माणी के बगैर नहीं रह सकते। बस उनको क्रोध आया और इस धनुष से उन्होंने ब्रह्मा जी का वो मृग का शीश काट दिया और वहीं से मृगशिरा नक्षत्र का जन्म हो गया। वहीं से मृगशिरा नक्षत्र का जन्म हुआ। तो उस समय इसे ब्रह्मा जी के शीश काटने कारण से पाप लग गया था और उस समय ये बात आई कि जिस समय ये एक समय आएगा, मैं इसे गोपनीय रख रहा हूं, समय आएगा और वो जब मृत्युलोक में अपने संत महात्माओं के लिए आएगा, उस समय जब ये उनके हाथों को धारण करेंगे तब इन्हें मृत्युलोक से मुक्ति मिलेगी। तो बिल्कुल अब हम समझ गए राजा जनक, बिल्कुल ठीक बात आपने कहा था कि ज्ञानी है राजा जनक। अब हमें उनकी ज्ञान समझ में आया कि इस कारण वो ज्ञानी हैं, क्योंकि वो सब जान रहे हैं कि इन्हें मुक्ति कैसे दिलानी है, इन्हें मुक्ति का समय आ गया है। बस उन्होंने इन्हीं पर ले लिया निर्णय और करने लगे उसकी प्रतीक्षा। क्यों प्रतीक्षा करने लगे, ये भी सामान्य बात नहीं है, क्योंकि धनुष कैसा है तो विद्वानों ने बताया, इमें दुई धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकादिपु, ये दिव्य धनुष है, उनकी बेटी भी साधारण नहीं है, भूमि से उत्पन्न हुई है, अयोनिजा है, इस कारण वो भी दिव्य है। तो बस जो कि समय उन्हें लगा कि आज बेटी के विवाह में दिव्य को आधार बना करके दिव्य के हाथों में अगर ये पहुंचा दिया जाए तो बेटी का भी विवाह हो जाएगा और इनका भी कल्याण हो जाएगा। चलिए, तुमने दो बातें बताई लेकिन हमारे समझ में तुम्हारी ये दोनों बातें नहीं आई। तुमने कहा इस धनुष में पातक लगा है इसलिए कि भगवान शंकर ने इस धनुष से ब्रह्मा का मस्तक काटा था, इसलिए कि वो मृग बने थे, वो मृगनी बनी थी ना, मृग सिरा नक्षत्र का जन्म बताया आपने, लेकिन हमने यह जाना है राजा दक्ष की 60 कन्याएं थी, 60 कन्याओं में 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही थी और 27 कन्याओं में एक कन्या मृगशिरा थी। उन 27 कन्याओं में एक कन्या मृगशिरा थी और वही 27 कन्या नक्षत्र के रूप में जानी गई है। आइए दूसरी बात देते हैं। तुमने कहा पातक लगा है, मस्तक काटा गया है इस धनुष से, इसलिए तो ऐसा भी नहीं है। एक बार ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं है, विष्णु गए तो बालक सबसे संबोधित किया, भगवान शंकर गए तो बालक सबसे संबोधित किया, तो भगवान शंकर ने अपने नखाग्र से नाखून से ब्रह्मा का मस्तक काट दिया। भगवान शंकर के ब्रह्म हत्या लग गई। भगवान शंकर ही वो काल भैरव के रूप में थे, काल भैरव नाम भगवान शंकर को उस ब्रह्म हत्या के निवारण से ही मिला है। जिसके भी ब्रह्म हत्या लगी हो, काशी चला जाए काल भैरव, ध्यान देना जरा, उस नदी में स्नान कर ले,
ब्रह्म काल भैरव का एक चिमटा, एक नाम भगवान शंकर का और वहां पड़ा था। चूंकि ब्रह्मा का मस्तक कटा था तो काल भैरव वो कपाल हाथ में लिए थे, तो ब्रह्मा का एक नाम वहीं से, भगवान शंकर का एक नाम वहीं से कपाली पड़ा था। यो 16 दूनी 8, अब पन्ना वाला पाठ जब दूसरा कोई मिले तब बताओ ये विध्वंस ये करूंगा धनुष यज्ञ और स्वर्ण की नदी बहा दूंगा और दिखा वो विकट ये अहंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैं थली अधिवेशन में ये काल कुर्नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। चलिए एक शास्त्र से आपने बात रखी है, शास्त्र का अनुमोदन करना चाहिए कि एक उसमें वर्णन मिलता है कि दक्ष की 27 कन्याएं जो चंद्रमा को ब्याही थी वो नक्षत्र के रूप में जानी गई हैं। लेकिन चलिए मैंने भी शास्त्र से ही बात रखी थी, अब क्योंकि ये विषयांतर है बात, और अगर इसके तर्क के धरातल पर पहुंचेंगे तो फिर हमारे आपके बीच में पुनः हाँ ये झगड़ा यही करा है, झगड़ा ये नहीं कराए हैं। एक बात इन्होंने बड़ी कहा कि ब्राह्मण हत्या किसी को लग जाए बढ़िया उपाय समाज को बहुत बढ़िया बढ़िया बताते हो कि काशी चले जाओ है? अरे कम से कम इन ब्राह्मणों के हित की कभी कभी सोचा करो तुम, और उनके उपदेश दे के ये कह रहे हो कि नहीं ब्राह्मण का मारो काशी चले जाओ। देखो बात लाओगे तो दूर तक भाई क्या संदेश देना चाहते हो समाज को? अरे कम से कम ये अच्छा ये बताओ तुम वो मार ब्राह्मण का मारियो के दा काशी गए, हमको जाने की जरूरत नहीं। अच्छा तुम खुद ही ब्राह्मण हो ना, ब्रह्म हत्या ना लगे हमको जाने के लिए जरूरत नहीं। चलो ये इधर देख ये तेरे शंभुक बांबे का पान हुआ, ओ किसी पीर के द्वारा यदि कोई विद्वान सत्कार हुआ तो कल में है मेरे अशेष हो नहीं प्राप्त पाएगा, उसके शरीर को गर्व बना ये स्वयं पी जाएगा, हो जाओ तुम सावधान अब भेद नहीं चल पाएगा, वो सीता के वर के चयन है खंड। बिल्कुल सतर्क खड़े हो, कुछ फर्क हमारे ऊपर पड़ा क्या? मतलब है इसका जो हमारे अगर शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका मतलब है कि तुम प्रभावहीन हो गए, नहीं तभी तो तुम रुक गए, नहीं सीधे टकराते प्रभाव में जिस जोश और होश के साथ बढ़े थे तो टकराने में हमें देख करके ही प्रभावहीन हो गए तो चुपचाप नहीं हमने हम प्रभाव डाल देते लेकिन ऐसे अगर प्रभाव डाल अब वो तो हो गया तो हो गया खेल हो जाता है, ऐसे खेल करने वाला अभी तक आया नहीं था, हमने प्रभाव हम डाल देते लेकिन हमने सोचा पहले हम सावधान कर दे तब प्रभाव डाल दे, क्योंकि सावधान कर देना चाहिए और फिर प्रभाव डालना चाहिए तो आदमी बर्दाश्त करने की स्थिति में हो जाता है। आज तुम्हारी भुजा भुजा पर यह फट गिरेगा, उस वक्त दुंद चौथड़ होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण वो सुंदरियों की सेज नहीं, ये अगड़ों की धारा है, वो पैरी जीवित बदल सका जिसने सम्मुख ललकारा है, अजगर वीरत कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं और पैरी ललकारा युद्ध है शायजाऊ, ये रणनीति नहीं, ये चंद हाथ में कितनी ज्वाला इससे जनता कड़कड़ होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अंकार गिरेंगे और सुनी हो कि कंचन नगरी जब कर्पित कथा प्रहार करेंगे और सरताएं निकलेगी और पैरों की पोछारें होगी और चारों ओर चमकती रण में और तलवारों की धारें होगी, कांता पीरत प्रदर्शन होगा, मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा, और धनुष का खंडन होगा। धार देता है कैलाश को छाजे में और कभी कभी ये पर्वतोच्च है और टक्कर लगाता हूं लेकर सजाता जब शत्रु के समक्ष दो शत्रु चार कर धौल में मिलाता हूं। संभल जा बाला सर, संभल जा बाला सर, नहीं बचेगा तू आज, तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूं। जाएंगे दे रहे तुम्हें हम प्राण दान,
निकराओ कौन की दे रहे तुम्हें हम प्राण दान बनके नहर हो शादान मेरे जग में जो घर अपार क्या सुने नहीं है गिरदगान फट जाती वो छाती चट्टानों की वो भूथर रखकर बन जाते हैं इस खूनी खाले के सम्मुख देखना नहीं ने मुंह पीला पड़ जाएगा पीला पड़ जाओगे इस खूनी खाले के सम्मुख वो मुंह पीले से पड़ जाते हैं कबिलाल युगों तक कीरत में वो त्योहार मनाए जाएंगे अरे अब तक आए जाने कितने घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे पाले तो याद रख ये रुंड मुंड लोग ते धड़ पर दिखाई देंगे ये अमर यंबर रक्त रंजित हो जाएगा मिट जाएगा काली कंकाली का भी तलवार ये चल वाले भिथा सही हो जाएगा घर जाएंगे वारिद में सूर और चंद दोनों तारकों का भी फट जाएगा और करता नहीं अभिमान के बाड़बोत वरना हमारे बाड़ों से दस्त दशानन हो जाएगा मिले हर जन्म को है। मिले हर जन्म में मुस्कुराकर जीना नहीं आया चाहते थे अमृत पीना लेकिन विष पीना नहीं आया हमारी तुम्हारी दास्ता में फर्क केवल इतना है हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया ये होना भी चाहिए हमें जीना आवे चाहे ना आवे तुम्हें मरना तुम्हें कहा जात कम से कम दुनिया चाहती है कि तुम मरो जितनी जल्दी मरो अगवाई हो पूरे संसार दुनिया के चाहे तो कुछ ना हो चलिए प्रिय बैठे विभक्त गण सभी के पास ईश्वर की कृपा से दो दो हाथ होंगे परेशान ना हो कोई रावण से दो दो हाथ नहीं करना इनके अरे ना हो तो इनके ले हो अच्छा हम ध्यान काट काट दिया भाई नहीं तुम ना दे नहीं हम देवे जब तुम आकम पर ही तो हम दे अरे जैसे भगवान शंकर के यहाँ दिन थे वो काट काट के ऐसे इनका सबका हाथ काट काट दे दियो मकान नहीं दे देवे लेकिन ये तमाम हो झला दे घूम रहे होते हो कुछ लोग बैठे हुए आप दोनों लोग हाथ उठाइए सभी को भगवान शंकर की सौगंध है प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त समय है भगवान का जयकारा लावे अपनी वाणी को प्रवृत्त करें बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो पंडित जी और एक क्षण आज हमारे बीच ये नहीं कहेंगे तो बात बनेगी नहीं दो वरिष्ठ रावण बाणासुर के अभिनेता उपस्थित हुए हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय जी द्विवेदी और राकेश जी त्रिपाठी मैं इस धर्म मन से इनका स्वागत कर रहा हूँ समित से चाहूंगा कि सर्दी में आए इनकी कुछ व्यवस्था कर मैं जिस लक्ष्य को लेकर मिथिला आया था वो लक्ष्य वो अभियान अभी अधूरा है कौन है वो नरनाहर जिसने तारका का हनन कर दिया सुबाह को शर्त में मौत के घाट उतार दिया मारीच की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया मैं भी तो देखूं मैं भी तो जानूं कौन है वो सिंहनी का सपूत इस समय आपके द्वारा बड़े अद्भुत कृत्य किए जा रहे हैं जिसकी कल्पना अभी तक रावण को नहीं थी इन कृत्यों के आधार से आपका परिचय काफी कुछ रावण को प्राप्त हो जाता है चूंकि जन सामान्य में यह सामर्थ्य नहीं कि नारी शिला को नारी बना दे ये जन सामान्य का खेल नहीं हो सकता कोई अधम को संसार में मार तो सकता है लेकिन निज पद नहीं दे सकता है ये पद उस पद का भान कराता है यद्यपि हमारी और आपकी दूरी बहुत हो चुकी है दूरी तो इतनी हो चुकी है कि संसार में लोग या संसार के लोगों ने इतनी दूरी कर दी है कि
बड़ा मुश्किल हो गया। मिलना हो सकता है आप भी हमसे चाहते हो, हम भी आपसे चाहते हो, क्योंकि मिलने का क्रम तो बनेगा ही, बिना मिले बात बनने वाली भी नहीं। नदी की सागर से दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत है। मैं सुनना चाहता हूं, कुछ है हमारे लिए? लंकेश्वर, शौर्य के संसार में सूर्य की तरह प्रकाशमान उत्तम कुल में उत्पन्न हुए लंकाधीश्वर, आप कहते हैं कि मेरी कहानी अधूरी बहुत है, और मैं सोचता हूं कि आपके बिना मैं स्वयं अधूरा हूं। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता, पहले कारण तब कार्य। मेरे विचार से उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं जिसका प्रतिद्वंदी सक्षम न हो। धरती पर आप मेरे प्रतिद्वंदी बने, यह मेरी न्यूनता आपके द्वारा पूर्ण हुई है। आप न होते तो यह कमी मेरे जीवन में बनी रहती। लंकेश्वर, किसी का अत्यंत प्रिय कोई भी किसी कारण से यदि अधोगति या पतन को प्राप्त होता है, तो जिसका वह प्रिय होता है उस व्यक्ति को अत्यंत पीड़ा का आभास होता है। आज आप पाप रूप में हैं, लेकिन आप मेरे प्रिय हैं। कारण बस आपको इस रूप में धरती पर आना पड़ा। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और इसीलिए सतत प्रयास में कर रहा हूं। ये मेरा पहला प्रयास नहीं है। विप्र श्राप को कभी मिटाया नहीं जा सकता, तभी तो मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयास अभी पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। मुक्त न भये हते भगवाना, तीन जन्म दुज वचन प्रमाना। जब मैंने जाना कि भगवान के द्वारा, भगवान के हाथों मृत्यु, और इसके बाद भी श्राप नहीं विमोचन हुआ, तब मैं स्वयं आया हूं। आपका उद्धार करने के लिए लंकेश्वर मैं स्वयं आया हूं। मेरा प्रयास होगा कि आपको मैं इस रूप से मुक्ति दिला दूं। यही धरती पर आने का मेरा उद्देश्य है और यही मेरा लक्ष्य है। काकुत्थ कुलभूषण, आपके द्वारा स्मरण कराया गया, मैं तो ऐसा बन गया हूं कि मैं वो सब भूल गया हूं। संसार में आकर संसार के रंग में रंग गया। आपने स्मरण कराया,
एक बार आप मृत्युलोक जाना चाहते थे, मृत्युलोक जाकर एक लीला करना चाहते थे। लीला में तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती, बहुत अभिनेताओं की आवश्यकता होती। सारे अभिनय मृत्युलोक के सुनिश्चित किए गए थे आपके द्वारा। फिर एक प्रस्ताव लिखा गया और ये प्रस्ताव जिस किसी के पास भेजा गया, सारे लोगों ने कह दिया मृत्युलोक में सारे अभिनय में कर सकता हूं, लेकिन आपके विरोध में खड़े होकर कोई अभिनय नहीं कर सकता। उस समय संसार में किसी की लीला रुके और उसे पीड़ा न हो। आपकी लीला रुकी, आप उदास हुए। बस ये उदासी ही तो इस द्वारपाल से देखी नहीं गई थी। मैंने कहा था आपकी उदासी का कारण क्या है? आपने बताया था मैं मृत्युलोक जाना चाहता था, एक लीला करना चाहता था, एक अभिनेता के अभाव के कारण मेरी मृत्युलोक में लीला। मैंने कहा कैसा अभिनय अभिनीत करना? आपने कहा था कि वो ऐसा अभिनय अभिनीत कर दे कि मेरे मृत्युलोक में जाने का मार्ग बन जाए। मैंने कहा किस मार्ग से जाते हो, कैसे जाते हो? तो फिर एक आधार हमें मिल गया कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब मैं धराधाम पर आता हूं, एक लीला करता हूं। तब मैंने कहा था संसार के लोग इस रावण को अत्याचारी कहेंगे, अरे संसार के लोग इस रावण को पापी कहेंगे, लेकिन हमारे विरोध में खड़े होने से अगर आपकी मृत्युलोक में लीला होगी तो मैं विरोध में खड़े होकर यह अभिनय अभिनीत करूंगा। वो समय आ गया है। प्रस्तावना से लेकर अब तक का सफर जो भी रहा हो, उपसंहार आप लिख देंगे तो निश्चित ये लीला, ये कथा ऐसी हो जाएगी जो किसी अमर कथा से कम। लंकेश्वर, आप कह रहे हैं मुझे ये अच्छा लगने लगा है और यही जीव की सहज गति भी है। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुना रहा हूं। एक आचार्य बड़े विद्वान थे, भविष्यवक्ता थे, लोगों का भविष्य बतलाते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि मैंने सभी लोगों का भविष्य तो बताया और यथार्थ में वो जो बतलाते थे सत्य बतलाते थे, मैंने अपना भविष्य नहीं देखा अभी तक। और उन्होंने लंकेश्वर, उन्होंने अपना भविष्य देखा, उसमें उनका भविष्य यह कह रहा था कि ठीक 6 माह बाद उनकी मृत्यु होनी है। और चूंकि भविष्य बतलाते थे कुछ धन मिलता था तो प्रतिलाभ लोभ, धन के प्रति उनका लोभ बढ़ रहा था। इस पाप के कारण उसी गांव में रहने वाले एक सुअर पालक के यहां उनको सुअर के गर्भ से जन्म लेना था। ये भविष्य उन्होंने देखा, अपने बेटों को बुलाया, ठीक 6 माह बाद मेरी मृत्यु होगी और गांव में ही रहने वाले सुअर पालक के यहां एक सुअर के गर्भ से मेरा जन्म होगा, उसके 6 बच्चे होंगे, शेष सभी काले रंग के होंगे, एक बच्चा श्वेत रंग का होगा। तुम ध्यान ये रखना कि उस बच्चे को उसका मूल्य दे करके ले लेना और तुरंत मार देना। जैसा उन्होंने बताया था ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन शोक के कारण
और क्रिया कर्म के कारण उन्हें वो बात याद नहीं रही। जब उनका संस्कार हो गया, सारे अतिथि अपने अपने घरों को चले गए, तब उन्हें ध्यान आया कि हमारे पिता ने कुछ ऐसा भी कहा था। गए देखा, ठीक उसी दिन बच्चों का जन्म हुआ था। जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही वो थे। उन्होंने श्वेत रंग के बच्चे को खरीद लिया और जैसे ही लेकर के चले तो उसने आवाज दी बच्चे ने, अब मुझे मत ले जाओ, तुम इतने दिन कहां रहे, अब तो मुझे इस शरीर से प्रेम हो गया है, उस मलमूत्र में पड़े रहने में मुझे आनंद आने लगा है, अब तो मुझे ये गंदगी खाने में भी स्वाद आने लगा है, अब मैं मरना नहीं चाहता। ठीक यही स्थिति जीव की होती है, वो जिस योनि में जाता है उस स्वभाव में अपने आप को ढाल लेता है, उसे वो अच्छा लगने लगता है। आप पाप रूप पैदा हुए, पाप में आपकी रुचि बढ़ती गई, ये तो स्वाभाविक है लंकेश्वर, लेकिन वो पाप भी समाप्त होंगे और आपको वह पद मिलेगा। आपने कहा अपना पद कोई देता नहीं, पद की ही तो लड़ाई है संसार में, अपना पद किसी परम प्रिय को भी नहीं कोई देता है, और अगर उसे लगे कि ये मेरा पद ले लेगा तो वहीं से शत्रुता प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जो मेरा भक्त है मैं उसे पद देता हूं, पर मेरे भक्त के योग्य दूसरा कोई सांसारिक पद है ही नहीं, इसलिए मैं उसे अपना ही पद देता हूं, परम पद देता हूं, पर आप मेरे पद के अधिकारी नहीं बनेंगे, आप मेरे पद के अधिकारी नहीं हैं, आप तो मेरे ऐसे भक्त हैं कि आप मुझ में ही लय होंगे, पुनर्जन्म आपका अब होना ही नहीं है। लंकेश्वर, सारा संसार आज राम के कारण ही आपकी प्रशंसा कर रहा है, क्यों? कारण राम है और प्रशंसा आपकी हो रही है। लोग कहते हैं आपके कारण मेरा दर्शन पा गए, आप न होते तो संसार में मेरी आवश्यकता नहीं थी। इस रहस्य को आपने जाना, धर्म का उन्मूलन किया, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए मेरा आगमन। अब मैं ये चाहता हूं कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं इस मार्ग से कभी भ्रमित न हो, अलग न हो। जिस मार्ग का अनुसंधान आपने किया है ठीक मेरे लिए आपको मुक्त करना बड़ा सहज हो गया है। लंकेश्वर, भक्तों की टूटी वीणा के मैं तार सजाने आया हूँ, इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। भक्तों की टूटी वीणा की, और आज जब मैं देखता हूं तो मुझे आज से बड़ा मेरा कोई भक्त दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? आपका मेरा संबंध ऐसा है, आपका मेरा संबंध शत्रुता का है, और कुछ क्षण के लिए मित्र तो भूल जाता है पर शत्रु कभी एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं है, हर क्षण शत्रु का ध्यान बना ही रहता है। और इस बात को मैं प्रमाणित भी करूंगा, वैर भाव से ही सही, आखिर निशाचर मेरा स्मरण तो करते हैं, वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर।
इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। घनघोरी निशा की अंधियारी जो जनमानस में छाई है, आज की स्थिति यही है। मानव के उर्मी क्या अग्नि प्रचंड जलाई है। हर सोए तार तार को मैं पुनः जगाने आया हूँ। इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया हूँ। आपके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लंकेश हेतु तेरे कारण मैं लाखों रास रचाऊंगा। कल्याण जिस तरह से होवे मैं उर से यही मनाऊंगा। मेरे हृदय की भावना यही होगी कि आपका कल्याण हो, आपका अहित न हो, तभी तो ये संसार कहेगा कि अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। राम के द्वारा कभी शत्रु का भी अहित नहीं होगा। कल्याण जिस तरह से होवे मैं उर से यही मनाऊंगा। बैठारिक बार विमान तुम्ही निज धाम पठाने आया हूँ। इनके इन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। आप प्रतीक्षा करिए, संसार में जब जब व्यक्ति पिता या पुत्र से चर्चा करेगा, वो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो उसकी स्थिति यही होगी। लेकिन रावण का विवाद, रावण का संघर्ष किसी पिता के लिए नहीं है, रावण का संघर्ष परम पिता के लिए। रावण जो कर रहा है उसका जन्म उसके यहां हो गया होगा, लेकिन यह जन्म होने वाला उसके यहां नहीं है। क्योंकि जहां से मैं चला था, उस यात्रा से यहां तक की यात्रा को तय करने में उद्देश्य तो केवल एक है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रावण को चाहे जिस राह पर जाना पड़े, चाहे जिस हद तक जाना पड़े, राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंग चले आना, हम कोनो दया नहीं मांग रहे हैं तुमको। ये समस्या बन जाती है भगवान के साथ। आप तो ऐसे बतला रहे हैं कि सीधे चले आना, अरे बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। नहीं, व्यवस्था हम कराई देंगे।
उसमें कोई समस्या नहीं, हर जगह तुम्हें खड़े मिलेंगे। राम निमंत्रण देता हूं भाई, अगर कोई न्योता दे और बोले तो का खाए पिए की व्यवस्था न की। निमंत्रण देता हूं, सीधे कढ़लंग चले आना दसमुख की मोक्ष पिटारी को, हे धर्म धुरी साताना, छल से बल से सब व्यवस्थाएं आए, छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर बन बन में भटकाए राम, ठाहन खूब रुलाऊंगा। ये भी एक व्यवस्था है, ये दिव्य। जब आपका ये रूप संसार में लोग देखेंगे, संसार में किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, क्योंकि रावण का तो इतना अगाध समर्पण है, रावण तो इतना अगाध समर्पित होकर ये युद्ध लड़ रहा है। ठहन जब आप रोगे संसार में किसको कितना कष्ट है ये रावण नहीं जानता, लेकिन आपका ये स्वरूप देखकर संसार में सबसे अधिक कष्ट किसको है ये रावण जानता है। जब आपका वो स्वरूप मैं स्वयं देखूंगा तो संसार में सबसे अधिक कष्ट का अनुभव करूंगा। लेकिन क्या करें, ये संसार है, संसार में अगर ये अभिनय आपका नहीं हुआ तो हो सकता है संसार आपको इस लीला का नायक न कहे, और हमारा ये अभिनय नहीं हुआ तो हो सकता है संसार इस लीला का हमें खलनायक। ठहन खूब रुलाऊंगा, फिर सीता मिस मेरा बंत राम तुम सफली भूत बना देना, फिर बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा देना। अब हमारा आपका मिलन लंका के सम्रांगण में होगा। संसार में राम जब आपका स्वागत होगा, लोग पुष्पमाल भेंट कर देंगे, हो सकता है किसी मिष्ठान से आपका भोग लगा दें, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। लेकिन जब आप लंका आओगे तो रावण कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा, रावण किसी मिष्ठान से आपका भोग नहीं लगाएगा, रावण कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा, रावण तो आपके स्वागत में अपने प्राणों का पुष्प इन चरणों में चढ़ा लेगा। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, ये रखना तुम सुधर, जिस हेतु यहां पर आया था हो गए हमारे पूर्ण काम, धनु खंडन पर अवरोध लगाने की चाहन थी, दर्शन की इच्छा थी लला, तुम अतिशयुक्त में भ्रमित रहे। रावण आ गया, और रावण आवे समस्या ना आवे तो काएगा रावण, रावण आवे तो समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे तो समाधान आ जाए। एक समस्या है, दूसरा समाधान है, एक सिक्का है, दो पहलू हैं, एक है रावण तो दूसरा है राम। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उच्च स्वर में हमारी ओर से और श्री राम जी की ओर से बोले, जगत गुरु भगवान शंकर की जा रही है। एक अभिलाषा थी, क्या पता नहीं किन परिस्थितियों में भेंट हो, तो मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद भी देते जाइए। मतलब सब कुछ हम देते जाएं, संत बड़े चतुर हो तुम, सब कुछ हमसे मांगना चाहते हो आप, बड़े हैं, ऋषि वंश में आपका जन्म है और इस समय आप राजा भी हैं, तो वैसे भी आप मेरे पिता तुल्य हैं, ऋषि वंश में जन्म होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए चाहता हूं
कि मुझे मेरे उद्देश्य में सफलता हेतु आप आशीर्वाद भी प्रदान करें। राघव, अगर लौकिक धरातल पर खड़े होकर आप ये कहोगे तो रावण तुम्हें दे सकता है, लेकिन जिस धरातल का रावण चिंतन कर रहा है तो रावण देने के लिए क्या है उसके पास? चूंकि संसार को तो देने वाले आप हो, चूंकि उस धरातल पर जाकर मैं जब सोचूंगा तो देने वाले आप हो। जिसके पास जितना है वो सब आपे का दिया है, चाहे जब ले चाहे जब दे। अभी तो इसी धरातल की सोचिए, फिर इसके बाद तो जो मुझे देना है वो मैं उदारता के साथ दूंगा। अरे तो फिर ये भी उदारता के साथ हम देंगे।